हेलो जी, 10+1 तो इसके टोटल 5 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करेंगे। तो यूनिट 1 हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो इसके आगे टोटल 4 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा चैप्टर 1, द लिविंग वर्ल्ड। तो पिछली वीडियो में हमने द लिविंग वर्ल्ड के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखी थी, तो अभी इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1, इसके टोटल 4 मेन टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये बात करते हैं जो है क्लास। तो क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, उसमें रिलेटेड ऑर्डर्स आ जाते हैं, उसको हम क्लास बोलते हैं। जैसे हमारे पास 2 अलग अलग ऑर्डर्स है प्राइमेटा, हम भी प्राइमेटा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। मंकीज, गोरिल्ला, एटिस्टा जो है ऑर्डर प्राइमेटा से बिलोंग करते हैं। अगर दूसरी तरफ देखें तो कार्निवोरा ऑर्डर, नेक्स्ट ऑर्डर है कार्निवोरा, जिसमें क्या आते हैं कैट्स, डॉग्स एंड टाइगर आ जाता है। तो ये 2 अलग अलग ऑर्डर्स क्या थे, प्राइमेटा और कार्निवोरा, तो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, ममेलिया। ओके, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स को हम बोलते हैं क्लास। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कौन सा, प्राइमेटा और कार्निवोरा, बिकॉज हैव अ मैमरी ग्लैंड्स। तो ये क्लास ममेलिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद वाइवोपेरस होते हैं अपने, जैसे मतलब बर्थ देते हैं बेबी को। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स्थ हमारा सब टॉपिक है फाइलम। तो फाइलम में क्या आती है हमारे पास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। जैसे हमारे पास क्लासेस आ जाते हैं ममेलिया, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, जिसको एव्स बोलते हैं क्लास को उनकी। तो ये सभी जो है मिलकर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस मिलकर क्या बनाती है, नेक्स्ट हायर कैटेगरी बनाती है, जिसको हम फाइलम बोलते हैं। तो फाइलम जो है कॉर्डेटा, फाइलम जैसे हमारे पास आ जाता है कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा में कॉमन फीचर क्या है कि इनमें नोटोकॉर्ड होती है और उसके साथ साथ ही डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में फाइलम नहीं होता, जो नेक्स्ट हायर कैटेगरी है क्लास के बाद, फाइलम नहीं है, डिवीज़न है। ओके, डिवीज़न प्लांट्स में डिवीज़न होती है, जैसे एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्मी, ये डिवीज़न है। और हमारे पास फाइलम जो है, मतलब हमारे पास जो एनिमल्स है उसमें क्या देखने को मिलते हैं, कॉर्डेट्स। ओके, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हमारा लास्ट कैटेगरी, 7 कैटेगरी किंगडम, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है करैक्टर्स जो है, जो करैक्टर्स जो है कम देखे जाते हैं, कम सिमिलर देखे जाते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं, अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है ये, इसमें अलग अलग फाइलम जो है मिलकर एक पर्टिकुलर हाईएस्ट कैटेगरी बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं किंगडम। जैसे किंगडम एनिमल्स में कौन आता है, सभी एनिमल्स, और किंगडम जो है प्लांटी, उसमें क्या आते हैं, सभी प्लांट्स, प्लांट्स बिलोंग करते हैं किंगडम प्लांटी से, और किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं सभी एनिमल्स। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, हमारा थर्ड टॉपिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अभी मैं उसके बाद आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे हम स्पीसीज टू किंगडम जाते हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स किस में देखने को मिलते हैं, स्पीसीज में। स्पीसीज टू किंगडम, जहाँ पे किंगडम में सबसे कम कैरेक्टर सिमिलर होते हैं वहाँ पे जाते हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिक्रीज होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैरेक्टर स्पीसी में देखने को मिलते हैं, सबसे कम किंगडम में। अगर हम उल्टा कर देते हैं, हम जाते हैं हायर कैटेगरी से, मतलब कि हम जाएंगे किंगडम टू स्पीसी, तो किंगडम टू स्पीसी जाएंगे तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स जो है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ओके, क्लियर है अभी ये सभी आपको? यस।